के इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को सीखने वाले हैं, जिसमें से पहला है आपका डायाक्रेटिक मार्क्स। डायाक्रेटिक मार्क्स का मतलब होता है ऐसे मार्क्स जो किसी भी लेटर के अपर पोर्शन पर अवेलेबल होते हैं, और ये जो मार्क्स होते हैं जनरली आपको फॉरेन अल्फाबेट्स जो होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं, और ये जो मार्क्स होते हैं आपके किसी भी लेटर को जो प्रोनाउंस करने का तरीका होता है उसमें चेंजेस लाते हैं, तो ऐसे मार्क्स आपके डायाक्रेटिक मार्क्स कहलाते हैं। सेकेंड टर्म है आपका डिसेंडर्स। जैसे मैंने आपको असेंडर्स बताया था, उसका जस्ट ऑपोजिट होता है डिसेंडर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि आपने इंग्लिश वाली जो आपकी भी बुक होती थी उसमें आपने देखा होगा कि तीन लाइंस होती थी, तो वो अब आपकी इमेजिनरी लाइंस मानी जाती हैं, जिसमें से आपका लोअर जोन, अपर जोन और इसके बीच में होता है आपका मिडिल जोन। तो अब यहाँ पर जो भी आप लेटर जब आप स्मॉल में लिखते हैं, तो उसमें जब आपके जो लेटर्स होते हैं वो आपके मिडिल जोन को क्रॉस करके अपर जोन में पहुंच जाते हैं, तो वो आपका असेंडर्स था। उसका जस्ट ऑपोजिट अगर हम कर लें कि मिडिल जोन को क्रॉस करके जब कोई भी टर्म आपका लोअर जोन में पहुंच जाता है या लोअर जोन के नीचे पहुंच जाता है, तो वो चीज आपकी डिसेंडर्स कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस था असेंडर्स एंड डिसेंडर्स में, और डिसेंडर्स और डायाक्रेटिक मार्क्स क्या होते हैं, उम्मीद करती हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर से कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।